discuss the MCQs from the chapter which are there in your first revision test. Okay? So we have coordinate geometry, number system, linear equations, and triangles. We have discussed almost all the questions. After the chapters, let's discuss some more questions. Okay? Which is the rational number equal to 5/7, 15/17, 25/27, 10/14, 10/20, 10/14. ठीक है. अब इसको रैशनलाइज करोगे, जैसे आपको ये याद, आप ना रैशनलाइज बाद में करना, मेरी बात सुनो. अगर x 3 प्लस 2 रूट 2 है ना, तो आप 1 बाय x होता है 3 माइनस 2 रूट 2, पता है ना? ये प्रैक्टिस करके अपने आप पता चल जाता है कि अगर x है 3 प्लस 2 रूट 2, तो उसका 1 बाय x होगा 3 माइनस 2 रूट 2. करके देखोगे यही आएगा. ठीक है, तो हाँ, मतलब मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो रैशनलाइज ना करो. हाँ ठीक है ना. तो x is, if x is 3 plus 2 root 2, then 1 by x is 3 minus 2 root 2. What? x के जगह पे क्या है? 3 plus 2 root 2 plus 1 by x की जगह पे 3 minus 2 root 2. ये कट गया 6 आंसर. और अगर आपने के चारों काट दिए गलती से, एक मिनट साहिल, आपने सारे काट दिए. बेटा मान लो अगर किसी कोई क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें सारे कटते हैं, तो आंसर जीरो आएगा. वन तब आता है जब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर कटता है. ठीक है, हाँ जी बोलो. अरे यार, 1 by x means 1 over 3 plus 2 root 2. Rationalize करो. ऊपर ये आ गया. A plus B, A minus B. 3 का square 9 minus 2 root 2 का square. 2 root 2 का square. 2 का square 4. Root 2 का square 2. 4 2s are. पीछे 1 आ गया. 3 minus 2 root 2. By one क्या होता है? अगर आपके पास x की वैल्यू है 5 plus 3 root 7, तो 1 by x की क्या होगी? 5 minus 3 root 7. And the rationalizing factor. Suppose आपके पास ये क्वेश्चन है, ये ऐसे. What is the rationalizing factor? Rationalizing factor वो होता है जिससे हम rationalize करते हैं पूरा नंबर, ना कि सिर्फ root. ठीक है? So the, what will be the rationalizing factor in this case? 3 minus 2 root 2. Pura number jisse hum rationalize karte hain. Theek hai? Rationalizing factor ko hum conjugate bhi bolte hain. What is the conjugate of this? Conjugate means the number with which we are rationalizing. Rationalizing factor is known as conjugate also. Yes, Sahil? Iska wo nahi aayega? चलो ठीक है, वो जनरल आपके क्वेश्चन कोई भी हो सकता है. मतलब क्यों नहीं आएगा इसका? वो 25, 3 3 9, 7 63. जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसे ही आएगा. ठीक है, वो तो मैंने जनरल अपनी तरफ से लिया ना. अगर ऐसा क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन मान लो आपके पास आता है नंबर कोई भी x की वैल्यू, उसका 1 by x माइनस में ही होता है. ठीक है, ये तो मैंने जनरल हाई वैल्यू गलत होगी, इसके साथ कोई गलत नहीं है. आप भी सकता है इसमें कोई रैंडम है, फिर भी आप चेक कर लेना एक बार. ठीक है, चेक कर लेना.
बेटा हम नेट से ही करने होते हैं, बुक से ही करने होते हैं, इसलिए मैंने आपको कोई शेयर नहीं की कि आप नेट से क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए नहीं मैंने शेयर की कर दी थी। पहले क्वेश्चन लिख रहे हो, बोर्ड से लिख के फटाफट से आंसर देना होता है। हाँ जी, रेज योर हैंड हु हैज डन। Yes. Yes, raise your hand, bete. Yes, JP. Ma'am, zero. Yes, zero. Yes, beta, the answer is zero. Look here. Fourth root of 81. Threes are 9, threes are 27, threes are 81. Three ko four times multiply karte hain, jo 81 aata hai, toh idhar dekho. 3 ki power 4 means 3 into 3 into 3 into 3. अगर चार बार थ्री है, ये फोर्थ रूट है, इसका मतलब एक थ्री बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? हेलो, ये बात समझ में आ गई आपको? जैसे स्क्वायर रूट होता है अगर, तो कोई नंबर पेयर में होता है, हम एक बना के बाहर निकालते हैं। क्यूब रूट होता है तो अंदर अगर तीन नंबर होते हैं उसका एक बाहर निकालते हैं, यस और नो? इसी तरह से अगर फोर्थ रूट है और अगर कोई नंबर फोर टाइम्स अंदर आ रहा है तो एक नंबर बाहर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, माइनस एट इंटू सिक्स, सिक्स सिक्स 36 इंटू सिक्स इज 216। प्रैक्टिस की होगी तो ये लर्न ही रहता है। प्लस 15 इंटू टू, टू रेज टू पावर 5 इज 32। प्लस व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 225? 15। 15 इंटू 15 इज 225। So 3 minus 24 plus 30, 8 6 are 48 plus 15, 45 plus 3 48 minus 48, answer is 0, right? जैसे अगर हमें स्क्वायर रूट लर्न नहीं है तो इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, अगर आप फैक्टर्स बना के देखोगे, ठीक है ना? Now next, on simplifying 8 cube dot means what we get in exponential form, बताओ। Answer in the exponential form, the power form. क्या के क्या कर रहे हो युग? 8 क्यूब 24 होता है, पास पुस होना है कि नहीं? हाथ शेक क्यों कर रहे हैं आपके? आराम से करो, रिलैक्स। घबराहट में करोगे तो गलतियां ही होंगी। 2 रेज टू पावर ये क्या हो रहा है? ये 16 कहां से आया है? रुक, पैनिक मत करो बेटा, मत करो, छोड़ दो, सब बोर्ड पे देखो, कोई फायदा नहीं है। यस लक्ष्य मैम, 2 रेज टू पावर 10। ओके, ज्योति से पूछते हैं। यस ज्योति, 2 raised to power 13. 2
2 raised to power 13. ओके धीरेन मैम, मेरा 2 raised to power 10 आ रहा है. 10 आ रहा है. चलो देखें, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. 8, इस 3 को भूल जाओ. 8 इज 2 cube. क्यूब इधर देखो बेटा, छोड़ दो. आप जब गलत कर रहे हो, आप उसको सिंपलीफाई कर रहे हो. हमारे पास ऑप्शन पावर फॉर्म में है नंबर्स. 8 को लिख सकते हो 2 cube. 2 2s are 4, 2s are 8 और 8 और पावर क्या है, मल्टीप्लाई 2 raised to power 9 इंटू 2 raised to power 4. सेम बेस पावर्स एडेड, 2 raised to power 13 इज द आंसर. सो इजी. (16)^3/4 = (-). नहीं 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 नहीं, सही आंसर बताओ जल्दी से. हाँ, 2 raised to power 3 या फिर 8, जो डिपेंड है, जो आपके ऑप्शंस में गिवन होगा. 2 raised to power 4 × 3 raised, ये 4 कट गया. Whatever the option will be. 125 raised to power -1/3 will be -. (5 cube × -1/3) (5 raised to power -1) = (1/5). लेट आई है ना वंशिका, कोई बात रहना जाए, कर लो जल्दी से. सॉल्व कर. नेक्स्ट करो. आंसर 1 ठीक है पहले वाले का. ओके ओके ओके, लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द आंसर? सबका आया 1. ओके, 16 raised to power -1/4, 2 raised to power 4 × -1/4 × 4th root of 16 will be सीधा 4 root of 2 × 2 × 2 × 2. दिस इज 16. तो 2 चार बार 2 है, फोर्थ पावर है, तो 2 बाहर आ जाएगी. 2 raised to power -1 × 2, 1/2 × 2 कटिंग होकर आंसर इज 1. आंसर इज 1. आई होप इट इज क्लियर. धीरेन एंड लक्ष्य प्लीज लोअर योर हैंड बेटा. क्या आंसर आना है? -1. देखो इसकी पावर 3 कर सकते हैं. एक मिनट, -1 raised to power -2/3. एक मिनट, अलग अलग कर दो. डिवाइडेड बाय 27 को लिख सकते हैं 3 cube into -2/3.
ये सब क्लियर हो गया? ठीक है, अब माइनस वन की पावर क्यूब इज माइनस वन ओनली, ये नहीं लिखा भी इधर, लिख सकती हूँ मैं थ्री अपनी तरफ से इंटू माइनस टू बाय थ्री ओवर थ्री थ्री कैंसल थ्री रेज टू पावर माइनस टू, ये थ्री थ्री कैंसल माइनस वन रेज टू पावर माइनस टू ओवर थ्री रेज टू पावर माइनस टू। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, ये नेगेटिव पावर है ये ऊपर, माइनस वन रेज टू पावर टू, पावर का ही साइन हटता है, एक मिनट को, डिजिट डिजिट का रेसिप्रोकल करते हैं, जो साइन है वो पावर का हटता है, इधर देखो फाइव रेज टू पावर माइनस टू क्या आंसर आएगा, एक मिनट फाइव वन बाय फाइव, क्या किया आपने इसमें, पावर को पॉजिटिव किया ना, फाइव के साथ तो नेगेटिव नहीं ना लगा दिया, बात समझ में आ गई, आंसर नाइन, आंसर आना चाहिए हमारा नाइन, बस बात खत्म, जैसे मर्जी कर लो आपके कंसेप्ट में, जैसे आप करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, अब ये आया नाइन, माइनस वन का स्क्वायर वन, आंसर इज नाइन, नॉट माइनस नाइन। अब ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, इसमें से किसकी वैल्यू एक्स के बराबर है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज इक्वल टू एक्स, करो फिर, ये देखो बोर्ड पे देखो बेटा सारे, यहां बीच में माइनस का साइन है, 12 बाय 7 5 बाय 7 इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, करेंगे भी तो नहीं कर सकते, यहाँ 12 है यहाँ 5 है, इट इज श्योरली नॉट इक्वल टू एक्स, नो लॉ कैन बी अप्लाइड हियर, ठीक है, इधर अगर करेंगे 12 एक्स रेज टू पावर 4 बाय 3, एक्स रेज टू पावर 4 बाय 3 इंटू 1 बाय 12, ये क्या आ गया, एक्स रेज टू पावर 1 बाय 9, ये अलग अलग सॉल्व करने को भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने आंसर दे दिया तो ये आपको, ये तो नहीं सॉल्व करने को आएगा ना, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पावर अलग है, इधर देखो ये हो गया एक्स क्यूब, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मींस 1 बाय 2, तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू 1 बाय 2 होल पावर 2 बाय 3, सो इट इज एक्स रेज टू पावर 3 बाय 2 इंटू 2 बाय 3 कट होके which is equal to x, this one is equal to x, यहाँ क्या करोगे, powers plus कर दोगे, powers plus करोगे तो LCM लोगे 7 और 12 का, तो कोई fraction आएगी power में, 1 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, anything raised to power 0 is, अब सिर्फ युग आंसर बताएगा मुझे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स युग, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यस वंशिका, ओके दिव्यांशी, साहिल, मैंने एक्स का पूछा है, हाँ वन होगा, जीरो किसने बोला, मैम जीरो किसने बोला है, सही बोला है, जीरो, जीरो इज द आंसर, बिकॉज़ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दे ऑल आर डिफरेंट, अगर आपके पास एक्स वाली कोई टर्म नहीं है देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जीरो, बिकॉज़ एक्स के साथ उसका कोफिशिएंट जीरो था
तभी वो मल्टीप्लाई होके पूरा टर्म जीरो बन गया, इसलिए उन्होंने एक्स वाली टर्म लिखी ही नहीं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? फोर प्लस थ्री। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? माइनस फाइव। व्हाट इज दिस थ्री? कॉन्स्टेंट। थ्री के साथ क्या है? एक्स रेज टू पावर जीरो। पॉलिनोमियल्स हमने किया है, इस बार आना नहीं है। जीरो एक्स रेज टू पावर जीरो क्या बन जाता है? वन। तो इसीलिए उसको अकेला कांस्टेंट लिख देते हैं। कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी पावर क्या होती है? जीरो। और ऐसे ही बेटा वैसे ये क्वेश्चन The graph of x is equal to plus minus a is a straight line parallel to which axis? Parallel to y axis. अगर हम a कोई भी वैल्यू है, अगर हमारे पास a suppose 9 हो या minus 9 हो, x 9 यहां तो ये x minus 9 तो यहां, अगर x की वैल्यू गिवन है then the graph will be parallel to y axis, y की वैल्यू गिवन है तो x will be parallel to x axis. All the questions we have done, you need to revise. अगर अपने लेवल पे आप घर जाके रिवीजन नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। ओके द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई 5y इज इक्वल टू 15, ये किया हुआ हमने क्वेश्चन। दिस इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस, ऑप्शन बोलू, एट द पॉइंट 50 50 30 05। एक मिनट दिव्यांशी आंसर बताओ। दिव्यांशी आप, एक ज्योत जी अब आ रहे हैं, पता नहीं आके चले गए। कट्स द एक्स एक्सिस, कट्स द एक्स एक्सिस मींस एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, जहां एक्स की वैल्यू नहीं है वो खत्म। ठीक है, जहां आपके पास एक्स की वैल्यू नहीं है वो खत्म। बच्चे ये दोनों इनमें से देखो कौन सेटिस्फाई करता है। ये आ गया कट्स द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मींस एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, ये नहीं हो सकते तो इनमें से जो सेटिस्फाई करेगा सो दिस इज द। इसी तरह से अगर वो कट्स दी वाई एक्सिस तो वाई की वैल्यू होनी चाहिए, जहां मतलब अगर मान लो कट्स दी वाई एक्सिस होता तो वाई जहां पर जीरो है वो खत्म हो जाती ऑप्शंस। इफ सुनो, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद द नॉन जीरो नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन चेंजेस और रिमेन सेम
अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, उसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ द साइड्स, सेम नंबर, देन द इक्वेशन रिमेन्स द सेम. जैसे मान लो आपके पास है 7y + 3 = 5y. मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड्स. 14x + 6 = 10y. हाँ वही बोल रही हूँ. अब आप ये नहीं सोच रहे ये तो बदल गई, लेकिन अगर हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं 2 कॉमन लेके वही आएगी. अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 से मल्टीप्लाई करते हो, ऑब्वियसली उसके नंबर्स बदलेंगे, बट इक्वेशन वी आपने ये किया हुआ है. जब भी हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करते हैं ना, मीन्स अपने इक्वेशन को की फॉर्म हम बदल सकते हैं, बट वी आर नॉट चेंजिंग द क्वेश्चन. If we are multiplying both the sides with the same number, then the equation remains the same. It does not changes. It does not changes with respect to the original. Means, वो basic, वो वैसे नहीं बदलती. मगर मान ले 2 common लेते हैं. 7x + 3, 2 कट जाएगा. Equation वही आएगी. उस equation, कोई भी equation है, उससे हम वही equation ला सकते हैं. ठीक है, तो वो same रहती है. Okay? तो बेटा रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम ऑल द 4 चैप्टर्स. टुडे यू विल गेट योर दैट टेस्ट लिंक इन गूगल फॉर्म. आज क्या है, ट्यूसडे को? आज वेंसडे है. हाँ ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डरो मत, नेक्स्ट ट्यूसडे. अच्छा तो वी हैव फुल वीक फॉर रिवाइजिंग ऑल दिस अगेन. ओके 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 फाइन. ठीक है चलो विल कंटिन्यू टुमारो. टेक केयर. अभी किसी ने मुझे सुबह बोला.